नच सविकल्प के ताश नियम दर्शनात् निर्विकल्प के प्रत्यक्ष हेतुना शक्यम तदनुमान मिति नवाच्य। जैसे सविकल्प ज्ञान सब प्रत्येक होता है, विशेषण आदि से विशिष्ट होता है, उसी प्रकार से मैं निर्विकल्प भी कह सकता हूँ, प्रतिपत्तियों से अनुमान बना लेंगे हम। तीसरे नीचे देता है वो कि भाई निर्विकल्पक में भी प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा तादृश नियम पूर्वकत्व का अनुमान करने का व्यवस्था देंगे तो क्या होगा, फिर वो भी निर्विकल्पांतर से हो जाएगा। जैसे एक सविकल्प को निर्विकल्प की अपेक्षा हुई तो निर्विकल्प फिर एक और निर्विकल्प की अपेक्षा करेगा, अनवस्था दोष। इतने चवाच्य क्यों यथा कथंचित साधर्मेण अन्यत्र निधर्मारोपे, वही नियम दोबारा ला रहे जैसा भी है ना, किंचित समान धर्म को लेकर के एक धर्म को दूसरे जगह विसित करने लग जाओ इस तरह से, तो क्या होगा, सविकल्प प्रत्यक्ष निर्विकल्प पूर्वकत्व नियम दर्शनार्थ। सविकल्पक प्रत्यक्ष जो है निर्विकल्प पूर्वक ही अनुभव में आता है, ये सामान्य हम देख रहे हैं। इसके आधार पर प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा निर्विकल्प से भी निर्विकल्प का अंतर पूर्वत्व अनुमान प्रसंग है, एक निर्विकल्प को दूसरे निर्विकल्प पूर्वक सिद्ध कर लूंगा प्रत्यक्ष निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प अंतर पूर्वकम प्रत्यक्ष सविकल्पकवत। पहले अनुमान किया सविकल्पकम निर्विकल्प पूर्वकम प्रत्यक्ष, नहीं अब उसको भी कहते वो निर्विकल्प जो साध्य होता था निर्विकल्प ज्ञान वह भी निर्विकल्प का अंतर पूर्वकम प्रत्यक्ष, ऐसे करके अनवस्था दोष हो जाए। तस्मात निर्विकल्प संविदा युगपत अवभाषिता नाम स्तंभ कुंभ भेदा नाम सविकल्पक संविदा विशेषण विशेष भावेन सब प्रतिवित्व प्रतीत न काचित अनुपति सिद्धम प्रतत्व। इसलिए निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा पहले युगपत भाषित क्या हुआ, स्तंभ कुंभ भेद तीन स्तंभ कुंभ भेदा ऐसे ज्ञान हो गया, ये निर्विकल्पक है। फिर कौन क्या है इसमें, तब एक विशिष्ट ज्ञान हो गया स्तंभ कुंभाद भिन्न, अब हम विशिष्ट ज्ञान ले लेंगे। इसी तरह से घट घटत्व समवाया या घट घटत्व तादात्म्या, पहले निर्विकल्प ज्ञान हुआ, फिर कहेंगे तादात्म्य समन्ताचन घटत्वाचन घट ये ज्ञान होगा, ये सब विकल्प हो जाएंगे। यही प्रक्रिया मानना चाहिए स्तंभ को भेदानाम युगपत अवभाषितानाम, किसके द्वारा अवभाषित हुआ, निर्विकल्प संविदा निर्विकल्प ज्ञानेन संवित कहते ज्ञान को, तृतीय संविदा माने ज्ञानेन। तब उससे क्या हुआ, सविकल्प संवित के द्वारा विशेषण विशेष भाव से कहीं पर जहां जैसा होगा, यदि अभाव विषयक सविकल्प ज्ञान हो तो सब प्रतियोगित्वेन च, यदि विषय क्या है अभाव है तो सब प्रतियोगी सविकल्प ज्ञान होगा, और विषय भावों को लेकर है तो विशेष विशेष विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। प्रतिदोष न काचित अनुपत्ति है, ऐसे प्रतीत में कोई प्रतिदोष नहीं होती है, अतएव पृथक्त्व को नाम गुण को सिद्ध हमने इस प्रकार से भेद से भिन्न पृथक्त्व नाम गुण को सिद्ध कर दिया। अब संयोग नाम गुण का विचार आरंभ करते हैं। संयोग सर्वद्रव्यवर्ती सामान्य गुण, संयोग नाम गुण कैसा है, सर्वद्रव्यवर्ती सामान्य गुण है, इन कहने लक्षण से कुछ भी और लक्षण समझना, संयुक्त व्यवहार हेतु हो संयोग, इमो संयुक्त इस प्रकार के संयुक्त व्यवहार हेतु का नाम ही संयोग है, और वह सर्वद्रव्यवर्ती है सामान्य गुण है वो। सच नित्यानित्य भेद न द्विविध, और वह नित्य और नित्य भेद से दो प्रकार का संयोग मानते हैं। तत्र नित्य विभू नाम व्योम कालादि नाम परस्पर संयोग नित्य, उनमें भी जो नित्य विभू द्रव्य है कौन, आकाश काल दिग्ध आत्मा वगैरह, इनके जो परस्पर संयोग है वो नित्य ही होता है। सहज संयोग प्रागेव दर्शित, यह बात हम पहले ही सिद्धांत दर्श शास्त्र सिद्ध कर दिया, नित्यों का संयोग होता है। क्यों, हमने विभू किसको सिद्ध किया था, मन को, तब चर्चा हुई थी, यदि मन भी विभू है आत्मा विभू है दोनों का संयोग भी नित्य रह जाएगा, कदा में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अभिव्यंजक उस मन के पास विषय को कौन लाते हैं, इंद्रियां, वे उनका जो मन के साथ संबंध है वो नित्य है, क्योंकि इंद्रियां कैसी हैं, विभू नहीं है, वो तो परमाणु रूपा है अनुरूप है, अतः के उनका संबंध अनित्य है मन के साथ, तो जब वो मन के साथ संबंध करके विषय लाएंगे तभी वो व्यवहार होगा। सहज संयोग प्रागेव दर्शित, मन के प्रकरण में इसको दर्शा दिया था, मन की विविधता के प्रसंग में ही कहा जा चुका है।
और अनित्य संयोग की बात करें अनित्य संयोग पुनः त्रिविध अन्यत्र कर्मज उभय कर्मज संयोगश्चेति अनित्य संयोग तीन प्रकार का है। एक नाम है अन्यत्र कर्मज, दूसरा उभय कर्मज, तीसरा संयोग संयोग। तत्र स्थानुशेन यह संयोग अन्यत्र कर्मज, ठूंठ और शेन पक्षी का जो संयोग है वो अन्यत्र कर्मज है। जो ठूंठ तो वही खड़ा है गड़ा हुआ, वो कहीं हिलता जुलता तो है नहीं, उसमें कोई क्रिया होने की संभावना नहीं है, तो पक्षी में क्रिया हुई और पक्षी आकर के बैठ गया उसके ऊपर तो संयोग हो गया, तो वो संयोग अन्यत्र कर्मज कहा जाता है। एक में होने वाला कर्म से जन्य संयोग। युद्ध तो हो मल्ल कृष्ण संयोग उभय कर्मज, चाणूर वगैरह जिनको मारा था भगवान कृष्ण ने, वह मल के साथ कृष्ण का जो संयोग है वो कैसा है, उभयतर कर्म संयोग है। हस्ततरु संयोग कायतरु संयोग संयोग जो संयोग है, हस्ततरु का संयोग से जो शरीर के तरु के साथ संयोग माना जाता है उसको संयोग से जन्य संयोग माना गया। इस प्रकार संयोग लगभग वही है, जो नई बात कुछ भी नहीं है, नया एक आदि लोग जो मानते हैं वही सब है। विभाग पुनर्विभूत रूप मात्रवर्ती विशेष गुण, विभाग क्या है, संयोग नाशक गुणों विभाग, संयोग के नाशक गुण का नाम विभाग है, और वह अविभूत द्रव्य मात्रवर्ती। ये लोग विभू द्रव्यों का संयोग तो होता है लेकिन संयोग का कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि विभू द्रव्य कैसे है सर, नित्य भी है, इसमें नाश कैसे हो सकता है। इसीलिए विभाग में नित्य नित्य दो प्रकार विभाग नहीं है, है ना, विभाग में नित्य विभाग और अनित्य विभाग नाम का चीज नहीं हो सकता। इसलिए वहां इसको कदम अविभूत में मात्र में रहने वाला जो एक लक्षण गुण विशेष गुण का नाम ही विभाग है। यह अंतर नया कौन सी से नया एक लोग विभाग को सामान्य गुण माना है और ये उसको विशेष गुण मानते हैं। तस्यापि अन्यत्र कर्मजादि भेदेन त्रैविध्यम द्रष्टव्यम, यह भी तीन प्रकार का अन्यत्र कर्मज है ना, स्थानो शेन जो संयोग था उसके विभाग करेंगे लिए स्थानो संयोग विभाग हो गया, स्थानो शेन के संयोग का विभाग हो गया, स्थानो शेन विभाग ये कैसा है, अन्यत्र कर्मज विभाग, और मल्लद्वय विभाग है वो उभयतर कर्मज विभाग हो गया, और हस्ततरु विभाग और शरतरु विभाग जो होगा विभागज विभाग कहा जाएगा। इसे कहते वो भी तीन प्रकार समझ लो। तस्यापि अन्यत्र कर्मजादि भेदेन त्रैविध्यम द्रष्टव्यम्। अब परत्व और अपरत्व के बारे में एक लाइन में खत्म करते, परत्वापरत्व तो दिक्काल मात्रवर्तित्वात् विशेष गुणो, परत्व व्यवहार हेतु असाधारण कारणम परत्वम, अपरत्व व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम, ऐसे वाला लक्षण किया, परत्वापरत्व असाधारण कारण का नाम परत्वापरत्व ही होता है। और दिक और काल इन दो मात्र में रहने वाले होने से इन दोनों को विशेष गुण ही मानना चाहिए, सामान्य गुण नहीं मानना। तथा दूर स्थित प्रतीयमान परत्वम, समीप स्थित प्रतीयमान चापरत्वम, दिक्कृत परत्वापरत्व, दूर स्थित को जो प्रतीयमान वस्तु है सापेक्ष है, किसकी अपेक्षा से दूर है ये सोचना पड़ेगा ना, अवधि का निश्चय करके उस अवधि के दृष्टिकोण से एक अवधि को निश्चय कर लो, इस यहाँ पर एक अवधि है, यहाँ से लेकर वो उधर है जो वो दूर हो गया और यहाँ से जो पास में वो अपर हो गया, इन अवधि के बिना इसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो दूरत्व और आपके समीपत्व है दोनों के दोनों एक अवधि विषय से ही गिना जाता है। समीप स्थित है तो प्रतीयमान चापरत्व दिक्कृतम इत्युच्यते, ये दिक्कृत परत्वापरत्व का वर्णन हुआ। और कालकृत कैसा है, उससे पहले कहते तयो दिंग मात्र निबंधन, क्योंकि इन दोनों में हेतु मुख्य हेतु कौन है, निमित्त हेतु, निमित्त कारण है दिशा, दिशा ही मुख्य कारण है यहाँ, और वो तो कहते हैं वो थोड़ा और बढ़ करके उसी दिशा विद्यमान जितने मूर्त द्रव्यों का संयोग है, अधिक मूर्त द्रव्य से वो तो परत्व, न्यून मूर्त द्रव्य से वो तो अपरत्व, ऐसा उन्होंने व्यवस्था दिया, उस दिग में भी दिशा विद्यमान मूर्त द्रव्य का संयोग है। अब इसलिए उसको क्या करते हैं, आजकल पत्थर डाल देते हैं मूर्त द्रव्य संयोग करते जाओ, गिनते जाओ है ना, एक किलोमीटर दो किलोमीटर लिखा रहता है पत्थरों के ऊपर, माइल स्टोन बोलते, माइल स्टोन पहले मिल में होते ना, माइल गिनते थे, आजकल तो किलोमीटर स्टोन बोलना पड़ेगा उसको, माइल स्टोन नहीं बोल सकते। स्थविरे प्रतीयमान परत्व
काल कृत के लिए कह रहे हैं स्थविर प्रतिमान परतम यूनि प्रतिमान अपरत्वंच कालकृत में उच्चत है। बूढ़ों में जो उम्र की अधिकता दिखाई दे रही है उसका नाम परत्व है, कालकृत परत्व है, और जवान में उस बूढ़े के पीछे से कम उम्र होता हुआ दिखाई दे रहा है वह जो है कालकृत अपरत्व है। तय काल मात्र बंधनत्वात् इन दोनों में काल मात्र ही निमित्त कारण बनता है। वो लोग क्या कहते हैं सूर्य का परिस्पंद संबंध के न्यूनता और अधिकता मानते हैं। किसी के शरीर के साथ 40 साल से जो सूर्य का संबंध है, किसी शरीर के साथ 10 साल से संबंध है। जो 10 साल हुआ है पैदा होकर के उसका सूर्य दर्शन और संबंध कितना हुआ, 10 ही साल मानी जाएगी, उस ज्यादा तो है नहीं। इसलिए जो सूर्य परिस्पंद संबंध को लेकर के गणना करते हुए, क्योंकि काल की गणना का मूल आधार आजकल के पहले से भी सूर्य ही है, सूर्य पर ही आधारित होकर के सूर्योदय सूर्यास्त को देखा जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त गणित करते हैं, उसका सारा काम करते हैं। ये हो गया कालिक परत्वापरत्व, ईश्वर परत्व और दोनों समाप्त हो गए। गुरुत्वाम पतन असमय कारणम पृथ्वी जल मात्र वृद्धि विशेष गुण। गुरुत्व नामक गुण क्या है, कहते हैं पतन के असमय कारण। उन्होंने विशेष वहां जोड़ा था आद्य पतन के असमय कारण का नाम गुरुत्व। अरे कहते आदि क्या कोई भी पतन क्रिया हो रही है तो उस पतन क्रिया का समय खंड का नाम बिना गुरुत्व का वेग भी कहां से काम करेगा, क्योंकि उनका कहना क्या है द्वितीय तृतीय पतन के प्रति वेग को कारण मान लेते हो लोग। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं बनेगा। अब मान लो गाड़ी दौड़ रहा है, गाड़ी दौड़ रहा है ना, वेग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब वेग से जा रहा है लेकिन हवा में उड़ नहीं रहा है, क्यों नहीं उड़ रहा है, उसे गुरुत्व कारण है। तो गुरुत्व के साथ साथ वेग काम करता है, इसे गुरुत्व और वेग तो विरोधी वस्तु ही नहीं। अतएव ये कहकर आद्य पतन मात्र के लिए गुरुत्व मानना और इत्यादि बाकियों के लिए गुरुत्व कारण नहीं है कहना उचित नहीं है। बाकी के प्रति भी गुरुत्व विशिष्ट वेग काम है, ऐसे कहो केवल गुरुत्व नहीं किंतु गुरुत्व विशिष्ट क्या रहा। पहले तो वेग पैदा नहीं हुआ था पहले पतन में, तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और घूमेगा तब ना वेग बाद में पैदा होगा। जो घूमने का कारण कौन है, जाता हुआ चला ही ना जाए, घूमना है ना पत्थर फेंका आपने कुछ दूरी तक गया, पर वहां से जो लौटने के पीछे कारण क्या है, आपने उसके अंदर गुरुत्व के विरुद्ध ताकत भर के भेजा है। जब तक आपने भेजा हुआ ताकत गुरुत्व के खिलाफ उसको खींच ले जाता है तब तक वो खींच के जा रहा है। या आपके भेजा हुआ जो गुरुत्व के विरुद्ध जो ताकत समाप्त हो जाता है फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, तो घूमने लगेगा। उसका उस समय क्या रहेगा, उसे केवल गुरुत्व कारण घूमने के प्रति, घूमने के बाद उसे गिरने के प्रति आगे गुरुत्व भी है और धीरे धीरे उसका वेग भी बढ़ते जाता है। बहुत ऊंचे से छोटा सा पत्थर डालो और बहुत एकदम छेद कर देगा। कारण क्या है, उसके गुरुत्व उतनी ही है, वजन तो उतनी है, उसके गुरुत्व उतना ही रहेगा किंतु उसका वेग पैदा उस दूरी के कारण से वेग इतना ज्यादा हो गया आर पर छेद कर देगा। इसलिए केवल गुरुत्व कारण नहीं है, गुरुत्व विशिष्ट वेग कारण होता है द्वितीय आदि पतन के प्रति, और आदि पतन के प्रति केवल गुरुत्व कारण हो जाता है। इसलिए सामान्य रूपेण सकल पतन के प्रति गुरुत्व कारण है ही, अतः सामान्य लक्षण कर दिया उन्होंने पतन असमय कारणम पृथ्वी जल मात्र प्रति, पृथ्वी और जल इन दो में ही रहता है, बाकी सब हवा उड़ते रहता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकते आप। हाँ, वो नीचे आता नहीं ऊपर ना ऊपर जाता, अपनी मर्जी से आता जाता है। और अग्नि तो सदा ऊपर ही जाता है ना, जैसा भी अग्नि जला हो तो ऊपर उड़ेगा, नीचे की ओर तो जाएगा नहीं। हो इसे कहते पृथ्वी और जल दो ही में मानना पड़ेगा गुरुत्व, जो नीचे वापस पृथ्वी की ओर लौटने की स्वभाव है। पृथ्वी जल मात्र वृत्ति विशेष गुण और द्रवत्व, इसी प्रकार से सिंधन असमय कारण द्रवत्व, बहने के प्रति असमय कारण उसका नाम द्रवत्व। उसमें भी उन्होंने आद्य सिंधन जोड़ा था, बात वही कारण वही है आद्य सिंधन असमय कारण। आदि बार पहली बार लोह सिंधन हुआ उसके वेग से अपने आप कहाँ से भाग, मान लो उसको सिंधन गुण ना हो, बहने का गुण ही खत्म हो जाए तो चलेगा क्या, वेग से भागेगा वो कैसे भागेगा। इसकी जो स्वभाव है सिंधन बहाना वो तो आदि से लेकर अंत तक रहेगा, यानी आगे जो बड़ा है उस वेग भी सहयोग कारण हो गया जिसके वजह से तीव्रता बढ़ गई। तो सिंधन भी इसी प्रकार से गुरुत्व जैसे वेग का विरोधी होकर के द्वितीय क्षणों में भी बना हुआ रहता है, इसे लक्षण में सामान्य कर दिया आद्य सिंधन करके, केवल सिंधन के समीकरण का नाम सिंधन असमय कारणम। यद्यपि ये लोग असमय नहीं बोलना चाहिए, ये कैसे यहाँ पर गलती कर दिया, पतन
असमय कारणम कह दिया ना, क्योंकि तादात्म्य कारण तो समय तो मानते ही नहीं, जब समय नहीं मानते तो असमय कारण कहां से आ गया। इसमें क्या है, तादात्म्य और अतादात्म्य कारण बोलना चाहिए ना, समय और असमय, तादात्म्य और अतादात्म्य कारण कहना चाहिए लक्षण में। ये यहाँ मूल कार्य से भूल है लिखने में, असमय कारण लिख दिया है ना। द्रवत्व पृथ्वी त्रयवर्ती, द्रवत्व जो का अर्थ है पृथ्वी, जल और तेज में भी रहता है, क्योंकि तेजस कुछ ऐसे कार्य है जो बहते भी हैं, सोना चांदी वगैरह क्या है, ये तेजस कार्य है, वो बहता है, इसलिए जो है इन्होंने उसके यहाँ पर बहने का रूप कार्य जो गुण के प्रति तेजस को भी जोड़ दिया। सच स्वभाव का नैमित्तिक भेदेन द्विविधा, वह द्रवत्व भी दो प्रकार का है, एक स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक। उन्होंने दूसरा नाम रखा स्वाभाविक को, क्या नाम रखा, सांसिद्धिक नाम रखा है वहां। तत्र अपामेव स्वाभाविकम द्रवत्वम, उन दोनों में से जल में ही केवल क्या होता है, स्वाभाविक द्रवत्व होता है, जल में ही स्वाभाविक द्रवत्व होता है। और नैमित्तिक पृथ्वी और तेज भी, पृथ्वीया क्वचित जल संयोग द्रवत्वम क्वचित जतु प्रवृद्ध अग्नि संयोग द्रवत्वम, पार्थिव पदार्थों में जो द्रवत्व देखा जा रहा है कहीं जल संयोग की वजह से हो जाता है, हैं? और कहीं पर अग्नि के संयोग से, जैसे जतु प्रवृत्ति घी है ना, तेल वगैरह है, नारियल तेल वगैरह भी है, क्या होता है कड़क हो जाता है, और गर्म करो तो पिघल के बहने लगेगा, द्रवत्व आ गया। और तेजस अपना, तेजस पदार्थ से कौन से जिस द्रवत्व, आग में तो है नहीं द्रवत्व, आग बहता है क्या, नहीं है। फिर कहते स्वर्णादिर अग्नि संयोग आदित्य दृष्टव्य, सोना चांदी वाले जो तेजस विषय हैं उनमें समझना, उनको जो है जब गर्म करोगे तो पिघल के वो बहता है। इस प्रकार द्रवत्व रूपी गुण का विचार हो गया। 13 गुण हो गए, 14वां गुण है स्नेह। स्नेह स्नेहो जलमात्रवर्ती सिग्नत्वादि बुद्धि विषय विशेष गुण। स्नेह का लक्षण क्या है, सिग्नत्वादि कारणभूता जो गुण है उसका नाम चिकनापन। उन्होंने क्या कहा था, चूर्णादि पिंड हेतु, चूर्णादि का जो पिंड भाव को प्राप्त करने कारणभूत नाम स्नेह है। जो जलमात्र में रहता है वह भी दो प्रकार का है ना, एक घनीभूत है दूसरा अघनीभूत है। घनीभूत स्नेह कैसा होता है, वो दहनानुकूल है तैलादो, और अघनीभूत स्नेह कहा है जलादि में जो दहन प्रतिकूल होता है, कैसा होता है वो, दहन प्रतिकूल है, यानी इसे बताया तर्क संग्रह में। स्निग्धत्वादि ज्ञान का विषय है विशेष, ये चिकना है, ये जो है बांधता है, आटा को बांधता है ना पानी, ये पानी में डालता आटा कैसे बंधेगा, केवल तेल से तो बंधेगा नहीं ढंग से, थोड़ा तेल डालते हैं फिर पानी भी डाल देते हैं, जब पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना मोम बोलते हैं, मोम डालना, तेल डालते हैं, घी डाल देते हैं, कुछ नहीं डालना पड़ता है तब पूड़ी बढ़िया बनती है, और नहीं तो दूध डालो दूध से बढ़िया हो जाता है, दूध से जो सना हुआ पूड़ी 10 दिन तक खराब नहीं होता, हाँ, और कभी वो कड़क नहीं होएगा, मुलायम होता है, हाँ, केवल दूध, दूध पानी वाला नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सुभालना, मिलता तो पानी वाला है ना, इसलिए अच्छे से सुभाल लेना चाहिए ना, 1 लीटर मिलता है तो उसको 1.5 लीटर बना लेना, 250 ग्राम का उसमें बढ़ा देना पानी, उतना ही तो डालेंगे पानी, और से क्या डालेंगे, इतने के लीटर में 1.5 लीटर पानी डालते हैं, इतना बेईमानी तो नहीं करते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम डाल देते हैं, इसलिए अपने 200 ग्राम बढ़ा देंगे तो पानी कम खत्म हो गया, उस दूध से उसको ठंडा करो, उसको सानो आटे, वो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, कभी कड़क नहीं होएगा, 10 दिन रहेगा, यात्रा में काम आते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, यहाँ भी कुछ और नाम बोलते हैं उस पूड़ी को जब दूध डाल के बनाते हैं। तो स्निग्धत्वादि बुद्धि ज्ञान क्या विषयभूता वस्तु का नाम स्नेह है, उनमें एक आकर्षण शक्ति है, चूर्णों को आपस में आकर्षण करके जोड़ के रखने की सामर्थ्य होकर उसका नाम स्नेह चिकनापन। बुद्धि इसको देखो इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मविशेष गुणा, बुद्धि आदि छह को इकट्ठा ले रहे, देखिए बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये आत्मा का विशेष गुण है। तथा बुद्धि व्यतिरिक्तम सुखादि पंचकम मानस प्रत्यक्ष गम्यम, इनमें से ज्ञान की तो चर्चा हो चुकी है, कितने प्रकार का ज्ञान है, क्या है यथार्थ है, तर सब जो है ना पहले हो चुका है, इसलिए उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे ज्यादा,
किंतु कहते हैं कि इतना जानना जरूरी विशेषताएं इनकी, बुद्धि से भिन्न, बुद्धि को प्रत्यक्ष नहीं मानते, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान से प्रकाश भी नहीं है, इसका खंडन कर बहुत शास्त्र चलेगा। अभी इनका कहना है बुद्धि से भिन्न जो सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये जो पांच है यही मानस ज्ञान के प्रत्यक्ष का विषय है, मानस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। बुद्धि पुनः, बुद्धि कैसे होगा, अर्थ प्रकाश अपरनाम ध्येय प्राकट्य अन्यथानुपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति गम्य। ज्ञान तो अर्थापत्ति से निश्चय होता है। आपको कोई चीज का ज्ञान हुआ है, ये कैसे निर्णय हुआ है? कहते हैं अर्थ प्रकाश, अर्थ का प्रकाशन हो गया। अर्थ का प्रकाशन हो जाने से उस अर्थ का प्रकाश, कई दूसरा नाम है प्राकट्य, तीसरा नाम है ज्ञातता, अनेक नाम कहते हैं उसको, ज्ञातता बोलेंगे, प्राकट्य कहेंगे, प्रकाश सबसे कहेंगे। वस्तु का प्रकाशन हो गया, वह प्रकाश का ही नाम प्राकट्य, और प्राकट्य का नाम ज्ञातता है, उसके अन्यथानुपत्ति के आधार पर ज्ञान को मान लेंगे। हाँ, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होता तो प्रकाश भी नहीं हो सकता। जैसे पीनत्व का अन्यथानुपत्ति पर क्या मानते हो आप, रात्रि भोजन कल्पना कर लिया है ना, गृह असत्व के आधार पर गृह बहिसत्व की कल्पना कर लिया, उसी प्रकार से अर्थ के प्रकाश की अन्यथानुपत्ति के आधार पर ज्ञान को हम मान लेंगे। अर्थ प्रकाश अपरनाम ध्येय, जिसका पर्यायवाची दूसरा नाम यह है क्या, प्राकट्य, उसकी अन्यथानुपत्ति के द्वारा प्रसूत उत्पन्न है क्या, अर्थापत्ति का विषय, अर्थापत्ति गम्य है, अनुपत्ति के द्वारा जन्य अर्थापत्ति प्रमा का विषय है ज्ञान। और कैसे अब शास्त्र धारण करेंगे, बुद्धि स्वयं प्रकाशेति गुरु शंकर योर मतम प्रत्यक्षेत्यक्ष पादानाम तन्निरास्व विधीयते। कहते बुद्धि मैंने ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ऐसे कौन कहते हैं, गुरु शंकर यो, गुरु मने प्रभाकर और शंकर मने शंकराचार्य वेदांती, ये दोनों ही लोग ज्ञान को स्वप्रकाश मानते हैं। और अक्षपादानाम नहीं है, एक वैशेषिक वगैरह ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, मन के द्वारा ज्ञान का प्रत्यक्ष होता ही मानते हैं, आत्म संयोग से, आत्म मन संयोग से आत्मा पैदा हुआ ज्ञान को मन अनुभव कर लेता है। इसे अनुकार सुखा साक्षात्कार के अंतर्गत ज्ञान का भी साक्षात्कार के इंद्रिय कौन है, मन है। तन निराशो विधीयते, उन लोगों के जो वो मत है उस उठपटा मतों को हम निराश करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने मत ही सही बोलेगा, दूसरे के मत खंडन कर देगा, अपने अपनी युक्ति है। अब युक्ति देने में कौन कहाँ कितना कमजोर है उस पर निर्भर है, हर व्यक्ति का युक्ति 100% सही तो होता नहीं, यदि होगा फिर एक दम सही होगा ना, फिर सारे कैसे कैसे सही हो जाएगा। हो जाएगा क्या है कि जैसे वेदांत खंडन करना है तो वेदांत का वाक्यों को जो अर्थ आप ले रहे हो वहाँ उसको अर्थ नहीं लेंगे, अपने हिसाब से अर्थ बताएंगे, पर अपने खंडन तो हो ही जाएगा आसानी से। और दूसरा क्या, आप श्रुति प्रमाण मानते हो, उपनिषद में उपक्रोप समारा पर निर्णय लेते हो, वो कहते नहीं वो प्रत्यक्ष विरोध है तो हम श्रुति को नहीं मानेंगे, कह देंगे बस खत्म हो गया ना, विरोध हो गया सर, अब श्रुति का दम क्या रहेगा। अब जो श्रुति कहते प्रत्यक्ष वृद्धि कहती है सब, कि श्रुति उसी का नाम ही है, मीमांसा से खुद कहते हैं प्रत्यक्षानुमित्य प्रत्यक्षानुमित्य आचा यस्तो उपाय न पूज्यते एनम विदंती वेदेना तस्माद वेद से वेदता। इस तरह से ये उल्टा पलटा, किस प्रमाण को प्रबलता देंगे आप उस पर निर्भर है सर। अब यहाँ पर देखो अर्थापत्ति प्रमाण को प्रबल कर दिया श्रुति से, ऐसे क्या हो गया, श्रुति के कहते ज्ञान स्व प्रकाश खंडन हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, कैसे करेंगे देखो। तत्र स्वयं प्रकाशवादी नावत देव प्रयुंजत है, स्वयं प्रकाशवादी लोग ऐसा कहते हैं क्या, ज्ञानम स्वगत व्यवहार रूपे कार्य स्वजातीय स्वजातीय पर अनपेक्ष तथा भूत परगत कार्यकारित्वात् यथा प्रदीप। अनुमान करा दिया ज्ञान स्व प्रकाश, उसके लिए अनुमान है ये ज्ञान कैसा है, स्व विषय व्यवहार में सजातीय दूसरे की अपेक्षा माने दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। एक ज्ञान
अपने विषय का व्यवहार करने, जैसे अयंगटक ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का विषय बुद्ध घट का व्यवहार करने के लिए कोई दूसरे ज्ञान के अपेक्षा उसको सजातीय समान विषय सजातीय दूसरे ज्ञान के अपेक्षा उसको नहीं है। क्यों? अव्यवधान विषय प्रकाशादि व्यवहार निमित्त तथाभूत परगत कार्यकारित्व तथाभूत परगत कार्यकारित्व ये कर दिया, अर्थात अर्थक्रियाकारी है वो, किसी प्रयोजन को उद्देश्य करके क्रिया से संपादन करने योग्य। नीचे दिया उसको दूसरे शब्दों में देखो, अव्यवधान विषय प्रकाशादि व्यवहार निमित्तत्व, अव्यवधान पूर्वक विषय में प्रकाशादि व्यवहार का निमित्त होने से, जैसे प्रदीप का आलोक के समान, पंचपादिका टीका है, विवरण टीका, पंचपादिक विवरण बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र की टीका है विवरणाचार्य का, उसमें लिखा हुआ है। उसी में और बात का व्यवहार जो है, अभिज्ञा अभिवदनम उपादानम अर्थ क्रिया यदि चतुर्विधा, चार प्रकार से व्यवहार होता है। व्यवहार कितने हैं? चार प्रकार। एक का नाम अभिज्ञा, दूसरा अभिवदन, तीसरा उपादान, चौथा अर्थ क्रिया। नीचे टीका में व्यवहार अभिज्ञा अभिवदन उपादान अर्थ क्रिया यदि चतुर्विधा, इस पर चार प्रकार। प्रकृत में जो लिया जा रहा है यहां अभिज्ञा और अर्थ क्रिया, ये दोनों विवक्षित है व्यवहार। स्वागत व्यवहार रूपे, स्वागत व्यवहार का क्या लेना है? अभिज्ञा रूप व्यवहार और दूसरा अर्थ क्रिया रूप व्यवहार। वस्तु को जानना यह अभिज्ञा हो गया, अभिता ज्ञायते असोति अभिज्ञा, सब तरह से सम्यक ढंग से जान लेना जिस चीज को नाम अभिज्ञा, और जाना वस्तु को बोलना सम्यक प्रकार से वो अभिवदन रूप व्यवहार। क्योंकि अभिज्ञा व्यवहार के बिना अभिवदन रूप व्यवहार नहीं होगा, और अभिवदन व्यवहार होने के बाद विचार होगा यह उपादान है, यह उपादान बन जाता है ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद ही अर्थ क्रिया की व्यवस्था होती है। ज्ञान हुआ उसका कथन, कथन के पश्चात ग्रहण, ग्रहण के पश्चात प्रयोजनानुकूल क्रिया, उस वस्तु के साथ प्रयोजनानुकूल या प्रयोजन विशिष्ट क्रिया संपादन किया जाता है। यह क्रम है, व्यवहार इसी क्रम से हुआ करता है। पहले आप चीज को जानोगे, फिर उसको कथन करोगे, कथन करने के बाद उसको ग्रहण किया जाएगा, ग्रहण करने के पश्चात प्रयोजनानुकूल क्रिया, प्रयोजन के अनुरूप क्रिया, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप उस वस्तु के साथ क्रिया किया जाता है, वो व्यवहार हो जाता है अर्थ क्रिया रूप व्यवहार। जैसे दीपक में होता है, स्वकीय ज्ञान या प्रकाशन व्यवहार में प्रदीपांतर की अपेक्षा नहीं करता। दीपक, यह दीपक है आपको जान ले, आप जान लेते हो और ये दीपक है करके बोलते हो और दीपक को ग्रहण करते हो और दीपक को के द्वारा जो वस्तु को ढूंढना चाहते हो, रूप प्रयोजन को लेकर के ढूंढना रूपी क्रिया का संपादन करते हो, ये सारे काम करने में एक दीपक के लिए द्वारा ये काम करने के लिए दूसरे दीपक की अपेक्षा है क्या? नहीं। तद्वत एक ज्ञान का अपने विषय को जानना, उसको जो है बोलना, उसका जो ग्रहण करना और उसके साथ अर्थ क्रिया करने में किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होता। फिर भी हम मुख्य रूप में व्यवहार दो ही ले रहे हैं, व्यवहार शब्द से अभिज्ञा और अर्थ क्रिया। नहीं प्रदीप स्वगत व्यवहार रूप एक कार्य प्रतिपांतर अपेक्षित है, मूल में कहा इसलिए एक दीपक अपने स्वगत व्यवहार के रूपी कार्य में दूसरे दीपक की अपेक्षा जैसा नहीं करता। तस्मात बुद्धिरपि न बुद्ध्यंतरम, इसे ज्ञान भी ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं करता है। इसका मतलब ज्ञान स्वप्रकाश है दीपक के समान। तदयुक्तम, तब मीमांसक सिद्धांति कहता नहीं नहीं, इस आधार पर इन अनुमानों को ले, इस अनुमान के आधार पर ज्ञान का स्वप्रकाश सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अर्थांतर अनुमापके लिंगांतर अवगम्य लिंगे विचारात, अर्थांतर के अनुमापक लिंगांतर का अवगम से दुरावगम्य लिंग में यह विचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दीपक ने किस स्व से भिन्न विषय को प्रकाशित किया ऐसे कौन जानेगा? यह प्रकाश, दीपक के प्रकाश ने घट को प्रकाशित किया, कैसे जाना? अंदाजा जान लेता है क्या? आपके चक्षु की सहायता से तो हुई, लिंगांतर का अनुमापक हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये चक्षु से ग्रहण ना हो, ये आपको पता भी नहीं चलेगा दीपक प्रकाशवान है।
घड़े के जमाने तो भी जड़ समझोगे, दीपह जड़ वस्तुत्वात् घटवत्। हम चक्षु से देख रहे नहीं, दीपह प्रकाशवान न तो अंधकारमय। क्यों? चक्षुषा चक्षु सहकारेण घटादि प्रकाशकत्वात्, क्योंकि चक्षु की सहायता से ही घट का प्रकाशन हो, नहीं तो केवल दीपक घट को प्रकाशित कर भी रहा है तो आपको क्या पता चले घट के प्रकाशन हो रहा है। आपके चक्षु के द्वारा आपने देखा तभी तो घट प्रकाशन हो उसके प्रकाश में। अर्थांतर अनुमापक उक्त अनुमान, अर्थांतर के अनुमापक लिंगांतर अनुमीभूत लिंग में व्यविचरित हो जाता है, क्योंकि वह तत्र ही परप्रकाशकम लिंगम स्वप्रकाश लिंगांतर अपेक्षित है, क्योंकि परप्रकाशक जो लिंग है वह स्वप्रकाश करने के लिए लिंगांतर की अपेक्षा करने लगेगा। जैसे आपने एक दीपक जो है पर वस्तु का प्रकाशन करता है, यह दीपक पर वस्तु का प्रकाशन करता है, क्योंकि स्व सजातीय प्रकाशांतर का अपेक्षा के बिना वस्तु प्रकाशित हो गया, लेकिन वह दीपक अपने आप को प्रकाशित करता है ये कैसे आपने जाना? उसके लिए गौर अनुमान करनी पड़ेगी ना। वे कहते हैं कि वह स्वप्रकाश की अपनी स्वप्रकाशता की सिद्धि के लिए, अपनी स्वप्रकाशता की सिद्धि के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लिंगांतर की अपेक्षा करनी पड़ेगी। स्वप्रकाश आया माने अपनी स्वप्रकाशता की सिद्धि के लिए वह लिंगांतर की अपेक्षा करेगा। जीयत्व विज्ञान से घटादि जड़तम, तब यदि वेदांती कहता है अजय भाई यदि ऐसा कहते हुए तुम घट को ज्ञान को भी मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञेय मानने लगोगे, ये अर्थापत्ति का द्वारा ज्ञेय मानोगे, मैं किसी भी तरह से ज्ञेय है ना, अर्थापत्ति के द्वारा मान ले तो भी ज्ञेय है, वो स्वप्रकाश तो नहीं है ना। यदि आप ज्ञेय कोटि में मानेंगे, चाहे नैया को चाहे मान सको, कोई भी हो ज्ञेय कोटि में डाल रहे, अंतर इतना ही है ना। नैया क्या कहता है? प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान है। कौन सा प्रत्यक्ष? मानस प्रत्यक्ष विषय ज्ञान है। और आप क्या कह रहे हो? अर्थापत्ति का विषय ज्ञान है तो विषय चाहे अर्थापत्ति का विषय चाहे प्रत्यक्ष का विषय है, ज्ञेय है। यदि ज्ञेय मानने पर हम वेद आपत्ति दे रहे हैं, ज्ञेयत्वे विज्ञानस्य घटादि जड़त्वं प्रसज्जेत, घटादि विषय जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानम जड़म ज्ञेयत्वात् घटवत्, ज्ञान क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्यों? ज्ञेय होने से घट के समान, यह अनुमान बता रहे हैं। ज्ञानम जड़म, क्यों? ज्ञेयत्वात् दृष्टांत घटवत्। इति चेत् न, अब मीमांसा कहते नहीं नहीं जड़ तो नहीं आएगा उसमें। स्वप्रकाशित पक्षे अपनी प्रगत ज्ञान से चेष्टालिंग का अनुमान गम्यत्व न जड़ प्रसंग से तादवस्था, इन समस्या होगा। आपके मत में भी ज्ञान, अपना ज्ञान आपको स्वप्रकाश भले कहोगे, दूसरे के ज्ञान स्वप्रकाश है क्या? आप दूसरे के ज्ञान को अनुमान से समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसकी चेष्टा के आधार पर उसके ज्ञान को अनुमान करते हो ना, तो आपके लिए भी क्या ज्ञान अनुमान विर्गम हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं हो गया वेदांती को भी? नहीं तो दूसरे का ज्ञान हम समझेंगे नहीं तो शास्त्र क्या करोगे वेदांती? आपको दूसरे के ज्ञान स्वप्रकाश तो नहीं रहे ना, आपका ज्ञान भले आपके लिए लग रहा है स्वप्रकाश है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान उसके लिए पर प्रकाश हो रहा है, उसका ज्ञान आपके तरफ प्रकाश हो रहा है। किस हेतु से? चेष्टा लगी क्या आधार पर? वे कहते हैं स्वप्रकाश पक्ष में भी ज्ञेयत्व भरा रहेगा, क्योंकि परगत ज्ञानस्य अगले में क्या ज्ञान है क्या नहीं है कैसे जानोगे आप? पूछेंगे आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जब बोलने का मतलब है चेष्टा किया आपने, आपका मुंह चला, उस आपने जो बोला वो शब्द सुना, उसके अनुमान कर ले इसके अंदर क्या ज्ञान है कितनी है। इसलिए कहते हैं कि देखो तो स्वप्रकाशित पक्ष में समस्या होगी, परगत ज्ञान को चेष्टादि लिंग के द्वारा के लिंग अनुमान के द्वारा ही गम्य होने से आपके मध्य जड़त्व प्रसंग से तादवस्त्या, इसे पर प्रकाशवाद हो जो स्वप्रकाशवाद हो, ज्ञेयत्व तो आ ही गया तो फिर जड़त्व भी आ जाएगा, ये समस्या है। स्वप्रकाशवाद में भी जड़त्व आएगा तो न धी कर्मत्व मात्र न जड़त्व सिद्धि, इसीलिए ज्ञान का विषय होने मात्र से उसे जड़त्व नहीं मानते। जड़ के लक्षण नहीं करना, ज्ञान विषयत्व या ज्ञेयत्व जड़त्व ऐसा अर्थ नहीं। इसे तर तर ज्ञेयत्व तर तर जड़त्व व्यक्ति अपने बना लिया और कहा ज्ञानम जड़म ज्ञेयत्व घटवत, ऐसा नहीं होता। इसे जड़त्व का लक्षण
आप नियत मत करो। नियतम मतलब क्या? ज्ञान विषयत्म, ज्ञान विषयत्म जड़त्म धी कर्मत्म, धी मने ज्ञान, कर्तव्य मने विषयत्म, धी कर्मत्म कहो ज्ञान विषयत्म कहो बात एक ही चीज है। धी मात्र धी कर्मत्व मात्रेण अर्थात ज्ञान विषयत्व मात्र के द्वारा जड़त्व की सिद्धि नहीं होती। ज्ञान से अन्य सेवा जड़त्व सिद्धि, ज्ञान के अंदर जड़ सिद्धि नहीं हो सकती, या अन्य में भी जड़ सिद्धि इसके आधार पर नहीं होता। घट ज्ञान का विषय होने से जड़ है क्या? एक घट का ज्ञान का विषय ना हो तो वो घट चेतन हो जाएगा। इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं, ज्ञान विषयत्म जड़त्म ये घट में भी ठीक नहीं वास्तव में। अच्छा ज्ञान में भी ज्ञान विषयत्ता जड़ हो जाएगा कहना ठीक नहीं है। इसे कहते हैं धीमा धी कर्मत्व मात्र न जड़ सिद्धि ज्ञान से अन्य सेवा ततो न भवति, ऐसा नवे कर देना। ज्ञान में भी जड़त्व सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान विषयत्ता ज्ञान जड़ है ऐसा कहना ठीक नहीं। और घटादियों को भी अन्य को भी किसी भी चीज को ज्ञान विषयत्व घट कहना जड़ कहना उचित नहीं। किंतु फिर क्या है जड़ का लक्षण? यद अधीनम व्यवहार अनुगुणत्म तद अजडम, यद अधीनम तो न कसचित तद जडम इत्यविभाग। यद अधीनम व्यवहार अनुगुणत्म, जिसके अधीन हो करके वस्तुनिष्ठ व्यवहार अनुगुणत्व जिसके अधीन होता है, वस्तुनिष्ठ जो व्यवहार है अभी कलम है इसमें व्यवहार करना लेखनी का किसके अधीन हो रहा है, हस्त किसके अधीन हो चल रहा है, वो मैं, वो अजड़ है, मैं लिख रहा हूं ना। क्या कहते हो आप, लेखनी लिख रहा है बोलते हो कि मैं लिख रहा हूं बोलते हो? हैं, लेखनी लिख रहा है, मैं अपने आप लिख देगा क्या वहां रखा हुआ, हाथ मेरा पकड़ा हुआ भी नहीं लिखता, आप चाहेंगे तब वो लिखेगा। तो मैं लिख रहा हूं बोलते हो ना, तो लेखनी में जो लेखनात्मक जो व्यवहार है उसकी अनुगुणत्व जिसके अधीन होता है वो अजड़ है। यद अधीनंदो न कसचित, जिसके अधीन होकर कोई व्यवहार ही नहीं हो पाता है उसका नाम जड़। इस प्रकार जड़ चेतन विभाग ने व्यवस्था दे दिया।